hello and welcome to the law prep tutorial in today's session we are going to discuss uh, current affair of third week of february D month in this session uh, we are going to cover important topics like uh, supreme court decision on the electoral uh, bonds other than that we will discuss a uh, farmer protest 2.0 and few more important things uh, which is important for our exam perspective we are going to discuss uh, each and everything in detail i hope i am audible and visible correctly to all of you if there is any kind of error then please drop the comment in the comment section so that team can check it and resolve it as soon as possible so let's start with today's session hello and very very good morning to all of you and all of you will find the pdf of this particular session in the our tele, in our telegram channel whose link is basically uh, there in the description section and you will get the link in uh, Comment section also in a uh, few minutes. Okay. So let's start. Very, very good morning to all of you.

हमारा इस बॉन्ड में हमारा एस बी आई ही इज ओनली अथोराइज बैंक हु कैन इशू जिसको भी परचेज करना हो और जिनको जिस भी को पार्टी को इनकेश करना हो वो एस बी आई की ब्रांच में जाकर ही इसको परचेस कर सकता था एंड एस बी आई की रेस्पेक्टेड ब्रांच में जाकर के इसको इनकेश कर सकता था अदर बैंक आर नॉट अलाउड टू इशू दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रल बॉन्ड ये गवर्नमेंट लेकर आई 2017 में गवर्नमेंट ने एक पर्टिकुलर अमेंडमेंट बिल प्रेजेंट किया दैट इज फाइनेंशियल एक्ट 2017 और उसके थ्रू फ्यू चेंजेस किए इन आरपीए एक्ट इन इनकम टैक्स एंड इसको इंट्रोड्यूस किया हमारा इस बॉन्ड में डेट ऑफ इश्यू मेंशन होती है लाइक इस एग्जाम्पल के अंदर जैसे मेंशन है बट इसमें वैलिडिटी जो है वो फिफ्टीन डेज की है जैसे so, आज परचेज अगर आपने किया है तो फ्रॉम टूडे फिफ्टीन डेज तक के अंदर आप इसको इनकेस करा सकते हो आफ्टर फिफ्टीन डेज सिक्स डे पे ऑटोमेटिकली इनवेलिड हो जाएगा सो so, ये डेट मेंशन होती है और अमाउंट मेंशन होता है जो आपने अमाउंट कितने डोनेट आप करना चाहते हो ये थाउजेंड्स के मल्टीपल में होगा लाइक वन थाउजेंड टेन थाउजेंड वन लाख वन करोड़ इस तरह से सो so, अगर किसी को फाइव करोड़ डोनेट करना है So, वो वन करोड़ के फाइव बॉन्ड परचेज कर सकता है किसी को फाइव थाउजेंडनेड करने तो वन थाउजेंड के फाइव बॉन्ड परचेज कर सकता है इस तरह के बॉन्ड परचेज वो करके हमारा रेस्पेक्टेड पार्टी के मेंबर को दे सकता है पार्टी का मेंबर रेस्पेक्टेड आईसी एस बी आई की ब्रांच में जाकर इसको इनकेस्ट करा सकता है नाउ यहाँ पर कोई नेम मेंशन नहीं होता कि इसको किसने परचेज किया था और ना ही इनकेश कराने वाले पार्टी का नेम होता है सो so, इस वजह से यहां पर एक ट्रांसपेरेंसी वाला इशू क्रिएट होता है कि सर किसने परचेस किया वो अमाउंट वो कहां से लेकर आया दैट फाइव करोड़ अगर आपने दिया है तो वो कहां से लेकर आया किसी को आइडिया नहीं रहता इस वजह से कोर्ट ने कहा कि सर ये चीज सही नहीं है आपने ये अनाउंस किया था टू के अंदर एंड देन फर्स्ट टाइम आपने इसको नोटिफाई किया था इन टू के अंदर पहला हमारा इलेक्ट्रल बॉन्ड इशू हुआ था मल्टीपल ऑफ थाउजेंड के अंदर और आराम से इंडिविजुअल हम भी कर सकते हैं और कोई प्राइवेट कंपनी भी जाकर के क्या कर सकती है इसको इनकेस करवा सकती है फ्रॉम द रेस्पेक्टेड ब्रांचेस तो आपको ये याद रखना है कि सिटीजन एंड कॉपोरेट्स क्या कर सकते हैं इन बॉन्ड्स को परचेज कर सकते थे

बट कोर्ट ने कहा कि सर ये राइट टू इंफॉर्मेशन के बिल्कुल अगेंस्ट है इज इन द आर्टिकल नंबर क्लॉज क्लॉज सब ए में कि सर आप सिटीजन को कैसे कह सकते हो कि सर आपको आइडिया ही नहीं है ये पूछने का ये राइट right ही नहीं है पूछने का कि ये पर्टिकुलर अमाउंट कैसे आया और जब सिटीजन को ये राइट right नहीं है पूछने का या इलेक्शन कमीशन को राइट right नहीं है या सुप्रीम कोर्ट को राइट right नहीं है ये सब चीजें हमारा राइट जो मिले उसको कंटिन्यूसली हमारा अवेल करने का तो ये प्रिंसिपल ऑफ फेयर इलेक्शन एंड फ्री इलेक्शन के अगेंस्ट विच इज मैंशन इन द आर्टिकल नंबर थ्री हंड्रेड एंड ट्वेंटी फोर आर्टिकल नंबर थ्री हंड्रेड ट्वेंटी फोर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये वर्क असाइन किया गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विल कंडक्ट द इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन है तो तो भी भी सिर्फ ये, तो के के ये याद नहीं करना है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया इलेक्ट्रल बॉन्ड जब इंट्रोड्यूस हुआ था तो और जो चेंजेस किए थे उनको भी सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक कर दिया और वापस से नॉर्मल टू थाउजेंड सेवेंटीन थी उसको एस्टेब्लिश कर दिया तो क्या क्या चेंजेस किए फर्स्ट हमारा जो चेंज आया है दैट इज इन द सेक्शन टू सेक्शन ट्वेंटी नाइन सी ऑफ आर पी एक्ट हमारा अर्लियर इस इश्यू की बात करें यानी कि इलेक्ट्रल बॉन्ड से बात करें तो पहले रूल था कि ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज से अगर ज्यादा किसी को हमारा डोनेशन मिलता है तो पार्टीज को रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा एंड रेस्पेक्टिव आरटीआई के थ्रू या इलेक्शन कमीशन को इन्फॉर्म करना होगा कि हाँ इन इन मेंबर्स ने हमको ट्वेंटी थाउजेंड या मोर ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज दिए हैं, सो दैट बाद में उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग भी हो सकती है हमारा तो जब ये एक्ट आया था हमारा इलेक्ट्रल बोर्ड आए थे तो इस कंडीशन को इन्होंने हमारा इन वाले डिक्लेयर कर दिया था रिमूव कर दिया था बट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने इस नॉर्मेसी को वापस रिस्टोर कर दिया कि अब से वापस से वही वाली पहली वाली कंडीशन होगी जो प्रायर इसमें मेंशन थी हमारा बिफोर टू थाउजेंड सेवेंटीन नेक्स्ट नेक्स्ट जिनको यहाँ पर देखने को मिलती है दैट इज इन द सेक्शन थर्टीन ए क्लॉज बी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इनकम टैक्स के एक्ट में भी इस क्लॉज में मेंशन था

जब डोनेशन कर रही है उसके प्रायर के थ्री है है। उसका एवरेज प्रॉफिट कितना आता है जितना भी एवरेज प्रॉफिट रहेगा यू कैन ओनली डोनेट इक्वल टू सेवन पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रेसिडिंग थ्री फिस्कल ईयर बट गवर्नमेंट ने टू थाउजेंड सेवेंटीन के अंदर इस कैप को भी रिमूव कर दिया जिसको जितना डोनेट करना है उतना डोनेट कर दो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं भैया पहले वाला ही सही है क्योंकि अगर आप कैप हटा दोगे तो जिस कंपनी ने जितना रेड किया होगा आफ्टर द इलेक्शन अगर उसी की पार्टी उसी की की उसी सपोर्ट करने वाली पार्टी की गवर्नमेंट आती है तो ऑब्वियसली वो उसके फेवर में काम करेगी तो ये प्रमोट करता है कैपिटलिज्म को ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए सो so, यहाँ हम देखते हैं कि ये थ्री इंपॉर्टेंट जो चेंजेस टू के अंदर फाइनेंशियल एक्ट के थ्रो किए थे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने उसको वापस रिस्टोर कर दिया है फर्स्ट इज हमारा सेक्शन ट्वेंटी सी ऑफ आरपीए

ये कुछ डायरेक्टिव्स दिए हैं एसबीआई और इलेक्शन कमीशन को भी क्या डायरेक्टिव दिए हैं फर्स्ट इज कि आप एसबीआई को हमारा 12th ऑफ मार्च तक सारा का सारा लिस्ट देना पड़ेगा फ्रॉम द 2019 दिस पर्टिकुलर डेट से लेकर के अब तक जिस भी में, मेंबर ने जिस भी कंपनी ने जिस भी इंडिविजुअल ने इलेक्टोरल बॉन्ड को परचेस किया तो कितना किया और फिर बाद में किस पार्टी को दिया इसका लिस्ट देना पड़ेगा एंड उसके बाद डायरेक्टिव दिया है इलेक्शन कमीशन को कि जो एस लिस्ट प्रोवाइड करेगा आपको उसको अपनी वेबसाइट के ऊपर क्या करना पड़ेगा पब्लिश करना पड़ेगा सो so सिटीजन को भी आइडिया हो जाए कि, कि किस पार्टी ने या किस इंडिविजुअल ने किस पार्टी को हमारा कितना पैसा दिया है अब नाउ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और लीगल रीजनिंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट का पार्ट है ये क्योंकि लास्ट ईयर जो लीगल रीजनिंग के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा था तो उसने डेट्स के ऊपर क्वेश्चन फ्रेम किए थे डेट्स के बेसिस के ऊपर तो एक पॉइंट मैंशन है कि ऑलरेडी जिन जिन्होंने परचेज कर लिए लिएक्ट्रल बॉन्ड्स वैलिडिटी पीरियड डेज का भी अवेलेबल है बट इन नहीं हुआ है तो उसका क्या होगा तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने मैंशन किया है कि सर जो वैलिडिटी पीरियड फिफ्टीन डेज का और इसने ऑलरेडी परचेज कर लिया लेकिन इनकेश नहीं हुए वो जाकर के वापस बैंक को रिटर्न कर दो एस को रिटर्न कर दो अब वो पैसा अब इशू नहीं होगा तो ये आपको याद रखना है मे बी पॉसिबल एग्जाम वन सेकेंड क्या करेगा डेट के रिगार्डिंग में सर का पार्ट पूछ लेगा कि इस डेट को इश्यू हुआ था यहाँ तक इसका वैलिडिटी पीरियड है बीच में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि है, तो इन बॉन्ड्स का क्या होगा तो बॉन्ड्स का कुछ नहीं होगा बॉन्ड्स को आपको वापस से बैंक को सबमिट कर देना है रिटर्न कर देना है वो आपको रिफंड कर देगा जितना भी परचेज अमाउंट हुआ करता था ये चीज याद रखनी है इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ तक किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा एक एक और पॉइंट लीगल रीजनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है जब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ जजमेंट दिया तो जजमेंट के लिए एक हमारा

ऑल लार्ज कॉपोरेट्स जैसे कि आपकी कंपनी रन कर रहे हो और आपने एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट को टू थाउजेंड करोड़ रुपीज डोनेट कर दिए इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन टू थाउजेंड करोड़ रुपीज ऐसे तो नहीं होंगे कि चलो मेरे पास बहुत सारा पैसा है ले लो जब वो गवर्नमेंट है टू थाउजेंड करोड़ रुपीज वो पावर में आएगी तो आप फेवर में भी आपको कुछ चाहिएगा हो सकता है कॉन्ट्रेक्ट चाहिए होंगे हो सकते नॉर्म्स में कुछ इजीनेस चाहिए होगी तो गवर्नमेंट की पॉलिसी इन्फ्लुन्स हो रही है फ्राम द कॉपोरेट जब इस तरह से कॉर्पोरेट्स को हम प्रमोट करते हैं

ग्रीमेंट ऑफ प्राइस असिस्टेंस एंड पार्मिस एक्ट एंड इज असेंशियलिटी थ्री वो पर्टिकुलर बिल्स थे जिसकी वजह से ट्वेंटी ट्वेंटी में फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था बट नेम के अलावा आपको कुछ और याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है वाई बिकॉज ये बिल ट्वेंटी ट्वेंटी वन में ही रिपील हो गए थे सो अराउंडा टू एंड एंड हाफ ईयर ज्यादा हो गया है तो नेम्स इंपॉर्टेंट नहीं है हमारा नाउ नेक्स्ट पार्टी अब जो हमारा प्रोटेस्ट हो रहा है उसकी क्या कंडीशन है उनमें उनकी क्या डिमांड है और एमएसपी क्या होती है ये भी हमको पता होना चाहिए तो फर्स्ट डिमांड है वो एमएसपी की रिगार्डिंग ही है लॉ टू गारंटी मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रेजेंट के अंदर ट्वेंटी टू क्रॉप आर देयर जिनके ऊपर एमएसपी का मैंडेट है ये ट्वेंटी टू जो क्रॉप है, है हमारा इसको ऐसे डिवाइड किया है फोर्टीन प्लस सिक्स प्लस टू फोर्टीन जो क्रॉप है हमारी वो खरीफ की क्रॉप है सिक्स जो है हमारी वो रबी की क्रॉप्स है एंड टू जो है वो हमारा कमर्शियल क्रॉप्स है बट आपको ये नेम्स याद नहीं करने कि अंदर और कौन कौन सी क्रॉप्स है की 14 खरीफ की खरीफ कौन कौन सी है, हमारा की कौन सी है है हमारा रबी बट आपको इतना पता होना चाहिए एमएसपी एट प्रेजेंट ट्वेंटी टू क्रॉप्स पर मैंडेटेड है एंड इस तरह से थ्री कैटेगरीज में डिवाइडेड है फोर्टीन क्रॉप्स खरीफ की सिक्स हमारा रबी की एंड टू कमर्शियल क्रॉप्स है दैट्स इट इतना मोर देन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ना नेक्स्ट पर्टिकुलर पार्ट इनका इनका कहना है कि सर इसको क्या कर दो लीगलाइज कर दो बिकॉज एट प्रेजेंट ऐसा कोई लॉ एग्जिस्ट नहीं करता है जो कि कहता हो कि सर जी एम एस पीज कम्पल्सरी आपको देना ही पड़ेगा ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है हमारा तो इस वजह से ये फर्स्ट डिमांड इनका है कि सर इसको लीगलाइज कर लो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नेक्स्ट इज फुल रिवर क्या सर जितना भी हमारे ऊपर लोन है फार्मर्स का और लेबर्स का उसको क्या कर दो आप रिलीफ प्रोवाइड कर दो हमको ये एक पॉइंट इन्होंने किया है नेक्स्ट पॉइंट इज इंप्लीमेंट कर दो लैंड एक्सन एक्ट ऑफ टू थाउजेंड थर्टीन एक्चुअल में मान लो आपके पास एक पीस ऑफ लैंड है और गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट आने वाला है तो प्रोजेक्ट जब आपका आने वाला है तो इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो गवर्नमेंट आपका लैंड एक कर सकती है एट प्रेजेंट हमको जो अमाउंट मिलता है लैंड एक्विजिशन का वो मार्केट प्राइस का टू वन पॉइंट फाइव या टू अराउंड मिलता है बट इस प्रोविजन में मेंशन था कि फोर टाइम्स मिलेगा तो ये कह रहा है इस प्रोविजन को भी क्या कर दो आप इंट्रोड्यूस कर दो कि मार्केट प्राइस का जब हमारी फार्मर्स की कोई लैंड आप तो आपको देना पड़ेगा। जैसा कि था 2013, ये भी आप कंप्लीट कर दो हमारा ये चीज आपको याद रखनी है इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेक्स्ट पार्ट सर दो अभी जल्द इंक्लूड किया है पहले ट्वेंटी था क्या पहले इनिशियली ट्वेंटी था बट वन ईयर से ज्यादा हो गया ट्वेंटी टू हो गया राइट ओके नेक्स्ट पार्ट इंडिया को जितने भी हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमने कर रखे हैं के साथ या तरीके से सबको हमारा फ्रीज कर देना चाहिए या फिर विद्रॉ कर लेना चाहिए बिकॉज इनका ये कहना है कि सर जब आप ट्रेड करते हो तो जो लार्ज प्लेयर्स है ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री के अंदर जो वो यहाँ आते हैं तो हमारे डोमेस्टिक मार्केट को क्या कर जाते हैं वो कैप्चर कर लेते तो हैं और डोमेस्टिक फार्मर को ज्यादा लॉसेज हो जाते हैं इसलिए क्या कर लो इसको विड्रॉ कर लो हालांकि ये पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकता हमारा नो no डाउट कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से हमको इतना बेनिफिट नहीं होता हमारा जो ट्रेड है वो डिफिजिट में रहता है हमारे साथ में बट इससे कंट्री के रिलेशन भी बेटर होते हैं तो ये कंडीशन हमारा फुलफिल होने की कोई चांसेस नजर नहीं आते नेक्स्ट पॉइंट कि फार्मर्स को भी पेंशन मिलना चाहिए जैसा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलता है या फिर किसी पर्टिकुलर हमारा अनएम्प्लॉय जो एम्प्लॉयड नहीं उसको मिलेगा इस तरह का पार्ट इनको भी मिलना चाहिए 2020 का जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल आया था उसको क्या कर दो रिपील कर दो उसको वापस आप स्क्रैप कर दो आए बिकॉज इस बिल में प्रोविजन था कि अब प्राइवेट सेक्टर को भी इंट्रोड्यूस करेंगे इन इलेक्ट्रिसिटी जैसे आपका कम्युनिकेशन मोबाइल है सिम है आपका तो उसके अंदर पहले ओनली बी था फिर जियो आया एयरटेल आया वोडाफोन आया इस तरह के प्राइवेट कंपनीज आए तो सर्विस और बेटर हुई एंड सर्विस अफोर्डेबल भी हुई सिमिलरली गवर्नमेंट का यही प्लान था कि हम इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर के अंदर भी ऐसा करेंगे और वो बिल भी इंट्रोड्यूस किया था ट्वेंटी ट्वेंटी के अंदर इनका कहना कि सर नहीं प्राइवेट सेक्टर नहीं आना चाहिए इसको आप रिपील कर दो ये पॉइंट आपको याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेक्स्ट थिंग और क्या कहा इन्होंने कि सर एम जी नरेगा में प्रेजेंट ने हंड्रेड हंड्रेड डेज का आपको जॉब मिलता है या फिर आपको हंड्रेड डेज का वर्किंग वर्क uh, मिलेगा डेली वेजेस की बेसिस पर इनका कह रहा है हंड्रेड नहीं टू हंड्रेड दे दो ये नंबर याद रखना है एम जी नरेगा के केस के अंदर नेक्स्ट पॉइंट जो इन्होंने कहा कि सर एक लखीमपुर खीरी केस हुआ था जिसके अंदर एक पॉलिटिशियन इंक्लूडेड था फ्रॉम द रूलिंग गवर्नमेंट वो पॉलिटिशियन ने अपने व्हीकल से फ्यू फार्मर्स को हमारा जो है हिट कर दिया था तो वो पर्टिकुलर पर्सन जो हमारा वो जेल में है तो इसी की रिगार्डिंग ये बात कर रहा है कि पनिशमेंट दो लखीमपुर खीरी की जो किलिंग हुई थी ट्वेंटी ट्वेंटी अपने गाड़ी से हिट करके वो रन कर गया था हिट एंड रन सब टाइप का केस हमारा वो चीज आपको अब पनिशमेंट देनी होगी उन लोगों को ये भी इनमें पॉइंट है हमारा नेक्स्ट पार्ट की जो दिल्ली का प्रोटेस्ट हुआ था वह ना कि ट्वेंटी के अंदर जो पार्ट हुआ था हमारा सॉरी 2020 के अंदर जो फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था उसमें जिन लोगों की डेथ हो गई है

इंडिजीनियस पीपल्स का ही मीन्स जो वर्टिकुलर लोग वहां रह रहे हैं उनसे कोई लैंड उनका एक्वायर नहीं कर सकता ऐसा लॉ लेकर आओ यानी कि ये डिमांड जो है नॉट दैट मच बट ऐसा इन्होंने कहा है कि ऐसा हम करेंगे ठीक है ये चीज आपको याद रखना है और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्जाम के लिए जरूरी है दीज आर डिमांड आर इम्पोर्टेंट और ये थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है लेकिन हमको पता होना चाहिए कि इन्होंने ऐसा कहा है नो no, अभी जो है 125 ट्वेंटी फाइव डेज ईच एंड एवरी प्लेस पर नहीं मिलता शॉर्ट uh, गेमिंग जो वन ट्वेंटी डेज का और हमको वर्क मिलता है वो नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा देखने को मिलता है एंड वो पर्टिकुलर एरियाज जो फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल के अंदर आते हैं उनमें देखने को मिलता है प्रेजेंट में हंड्रेड डेज का ही मिलता है एंड इनका डिमांड है हंड्रेड से इंक्रीज करके टू हंड्रेड डेज का कर दो ओवरऑल इंडिया के अंदर ठीक है ये इनका डिमांड है ना एमएसपी क्या होता है तो एमएसपी एक टाइप ऑफ प्राइस है जो गवर्नमेंट हमारा प्रक्योर करती है ओवरऑल जितने भी क्रॉप्स पर ये मैनेटेड है अबाओ मार्केट प्राइस अगर मार्केट में कोई पर्टिकुलर थिंग मान लो हंड्रेड में मिल रही है तो गवर्नमेंट ने प्रॉमिस कर दिया कि 120 के अंदर हम प्रक्योर करेंगे और ये आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस है तो अगर आप गवर्नमेंट आपका प्रोडक्ट नहीं प्रक्योर करती है समाओ तो आप मार्केट में बेचने जाओगे तो आपको हंड्रेड रुपीज नहीं में भेज लेगा आप वो सेल कर सकते हो सेम वन ट्वेंटी रुपीज के अंदर मार्केट में भी तो गवर्नमेंट एक ऐसा प्राइस कैप लगा देगी कि ये हमारा मार्केट प्राइस है इससे अब आपको मिलेगा हम इतने में प्रोक्योर करेंगे और उससे नीचे कोई प्रोक्योर नहीं कर सकता माने कि मार्केट प्राइस उससे नीचे नहीं हो सकती उसको कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस कि गवर्नमेंट ने प्रोक्योर कर लिया दैट्स अ नाइस थिंग वन ट्वेंटी रूपी में वो ही लेगी हमारा बट सम अगर गवर्नमेंट प्रक्योर नहीं करती तो मार्केट प्राइस जाओगे तो लेस प्राइस में नहीं होगा वो हमारा सेम एटलीस्ट उतना तो देना पड़ेगा जितना गवर्नमेंट देती है हायर देते हो वो आपकी चॉइस है इसको कहते हैं एमएसपी क्लियर अब ये एमएसपी कितने क्रॉप्स पर है अब मैंने डिस्कस किया था 22 क्रॉप्स पर है ये मैंने सारे 22 क्रॉप्स क्रॉप की नेम लिख दें हमारी खरीफ खरीफ, की है, 6 की है, and 2 है, है। है रबी रबी हमारा कमर्शियल कमर्शियल आपको ये ये याद नहीं करने, other than की 14 और कौन-कौन कौन सी चीजें हमको पता होनी चाहिए। Now, कौन करता है कि MSP का कितना होगा सो देर इज अ कमेटी कैबिनेट कमेटी ऑन ऑफ इकोनॉमिक अफेयर यह अनाउंस करती है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस ये कमीशन Finalize करेगी ओवरऑल हाँ इतना अमाउंट रहेगा और ये कमीशन जो है फिर इसको अपना रिकमेंडेशन देगी फाइनल डिसीजन रिगार्डिंग द एमएसपी हमारा ये सी सी ए लेता है जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं ये चीज याद रखना कि कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के हेड कौन होते हैं

अमाउंट दे दो उसके अंदर एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मिलेगा वन रुपी भी उसको कहते हैं हमारा ए टू कॉस्ट फिर ए टू के अंदर एफ एल को एड कर देते दैट इज इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ अनपेड फैमिली लेबर कई बार क्या होता है कि एक फैमिली ही हमारा इंक्लूडेड है एग्रीकल्चर एक्टिविटी के अंदर आपने कोई लेबर नहीं रखी थी अलग से बिकॉज आपने अगर लेबर रखी होती तो लेबर को कुछ आप देते कैश सैलरी के फॉर्म में तो ए टू पोस्ट में आ जाता था लेकिन अगर घर के मान लो हस्बैंड और वाइफ ही है और दो बच्चे हैं वो भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी के अंदर है तो इन इसमें तो आपको अपनी फैमिली मेंबर को तो दोगे नहीं कोई कैश जैसे घर में मम्मी काम करती है तो मम्मी को तो कोई सैलरी मिलती नहीं है एग्जैक्टली अगर एक इंटायर फैमिली हमारा वर्क करती है एग्रीकल्चर एक्टिविटी के अंदर तो उसको तो कोई कैश गया ही नहीं तो वो तो काउंट ही नहीं होगा तो ए टू कैश वाला पार्ट तो हमारे लॉस हो जाएगा तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं हम इसको भी काउंट करेंगे और एक नॉर्मल लेबर को जितना मिलता है वो भी ऐड करेंगे और ए टू प्लस एफ एल उसको नेम देंगे और एक होता है सी टू कॉस्ट ये सबसे हाईएस्ट होती है लेकिन हम ये नहीं देते हमारा ये हम जो हम अभी तक जो प्रेजेंट में दे रहे हैं वो हमारा ए टू प्लस एफ एल वाला पार्ट है ये आपको याद रखना कि गवर्नमेंट जिस पर्टिकुलर टाइप की एमएसपी एस एट प्रेजेंट देती है वो किस फॉर्मुला पर बेस्ड है ए टू प्लस एफ एल पर बेस्ड है हमारा ठीक है नाउ तो फिर डिमांड किस बात की है एमएसपी को लेकर ये एस स्वामीनाथन का क्यों कहते हैं कि एम कामीनाथन ने जो कहा था रिपोर्ट में वो चीज करो तो 2004 में एक कमीशन बना था जिसका नेम था हमारा नेशनल कमीशन फॉर फार्मर्स इस कमीशन का जो रिपोर्ट आया था हमारा ये 2013 में आ गया था मैंने यहां पर एड भी कर दिया तो आपको ढूंढने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा कि एमएस स्वामीनाथन कौन थे एंड इनके रिगार्डिंग में और इम्पोर्टेंट जो तो फैक्ट्स है वो सब यहां पर मैंशन है आपको पीडीएफ में मिल जाएगा सो इसने कहा था कि सर आपको जो अगर देना है ओवरऑल हमारा एमएसपी तो वो सी टू कॉस्ट प्लस फिफ्टी परसेंट एक्स्ट्रा दो ए टू प्लस एफ एल नहीं इनका कहना था सी टू जो सबसे हाइएस्ट मिलती है सी टू कॉस्ट प्लस फिफ्टी परसेंट एक्स्ट्रा हमारा अमाउंट दो ऐसा इन्होंने फार्मूला दिया था और फार्मर्स की डिमांड यही है कि हमको एक्जेक्टली exactly वही पर्टिकुलर एमएसपी चाहिए जो नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर्स में जो चेयरमैन एम एस स्वामीनाथन दे उन्होंने कहा था और उन्होंने कितना कहा था सी टू प्लस फिफ्टी परसेंट एक्स्ट्रा ये चीज आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से

यानी कि कितने लोगों को बेनिफिट मिला टिल डेट तक वो ओनली सिक्स परसेंट फार्मर्स को ही मिला ऐसा इस कमेटी ने कहा था इन 2015 तो जब एमएसपी के हम सपोर्ट में बात करते हैं ऐसा क्या है कि एमएसपी की डिमांड कर रहे हो बिकॉज ईच एंड एवरी पर्टिकुलर फार्मर इज नॉट गेटिंग द बेनिफिट ऑफ एमएसपी एज पर द सांता कुमार कमेटी ये एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखने आपको तो ये फार्मर का प्रोटेस्ट क्या है इसके रीजन क्या है सेकेंड फार्मर प्रोटेस्ट का हमारा एंड ओवरऑल एम एस पी क्या होती है ईच एंड एवरी थिंग शुड बी क्लियर टू यू एग्जाम में ये भी टॉपिक एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा फ्रेम होगा ना

किस पर्टिकुलर डेट से किस डेट पर हुआ तो फोर्टीन से ट्वेल्व से फोर्टीन फाइव के अंदर देखने को मिला इन दुबई यू के अंदर यू के अंदर सिक्स स्टेट्स है जैसे हमारे यहाँ ट्वेंटी एट स्टेट्स है यहाँ सिक्स स्टेट्स है और इन स्टेट्स को कहते हैं अमीरात जैसे हम स्टेट्स कहते हैं ये अमीराथ कहते हैं तो दुबई वन ऑफ द अमीरात है हमारा सिक्स स्टेट से या सिक्स अमीरात से मिलकर के फॉर्म हुआ है यू क्लियर ये चीज आपको याद रखनी है इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना एक थोड़ा जोग्राफिकल लोकेशन भी इंपॉर्टेंट रहता है

एंड मिडिलस्ट के न्यूज पेपर ने ये चीज लिखी है एंड जो एक्चुअल सबमिट जब हमारा हुआ था उसके बैकग्राउंड में भी यही लिखा हुआ था बट हमारे इंडियन न्यूज पेपर के अंदर मोस्ट ऑफ दर्टिकुलर वर्ड यूज हुआ है instead of हमारा. तो आप क्या करो दोनों को याद कर लो एग्जाम क्या करेगा हो सकता है कि सेपिंग यूज ले ले हो सकता है फोरसाइटिंग यूज ले लें तो सेपिंग द फ्यूचर गवर्नमेंट और फोर साइटिंग द फ्यूचर गवर्नमेंट ये हमारा थीम रहेगा दोनों नहीं आएगा इनकेस अगर दोनों आ जाता है फिर भी हमारा दोनों आ जाता है है सो तो आपको ये मार्क करना द फ्यूचर गवर्नमेंट बिकॉज जब होल्ड हुआ था उसके पीछे बैकग्राउंड में यही थीम विजिबल था हमारा और मिडिल ईस्ट का ईच एंड एंडलर न्यूज पेपर इसी को कवर अप कर रहा है इस बार की मीटिंग के अंदर ट्वेंटी वर्ल्ड लीडर ने पार्टिसिपेट किया अब देखो ये क्वेश्चन लास्ट फाइनल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ये लाइन हमारा कि कितने लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया कितने प्रेसिडेंट थे और कितने प्राइम मिनिस्टर थे बट क्या होता है जब मॉक्स में क्वेश्चन फ्रेम होते हैं तो रिसेंटली न्यूज है हमारा तो फिल इन द ब्लैंक वाला न्यूज आ जाता है वन ऑफ द पार्ट हमारा मिसिंग हो जाएगा और नीचे पूछेगा बताओ ए बी सी डी के प्लेस पर क्या आएगा तो अगर सेम आर्टिकल वो लेता है सेम सोर्स रहता है तो वो यहाँ से ही क्या करेगा वर्ड मिसिंग कर देगा तो मॉक के रिगार्डिंग तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि ट्वेंटी वर्ल्ड लीडर पार्टिसिपेट किया जिसमें से टेन प्रेसिडेंट थे टेन प्राइम मिनिस्टर थे बट प्रॉपर अगर एग्जाम की बात करें दैट इज क्लैट एंड फाइव ये फैक्ट बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है याद नहीं भी रहता तो भी चलेगा हमारा मॉक के रिगार्डिंग इस फैक्ट को याद रखना है ना इंडिया यहां पर क्या कर रहा था तो इंडिया को एज एन गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया था किसने बुलाया था वही हमारे सेम वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ऑफ दुबई कौन शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम नेम याद होना चाहिए इंपॉर्टेंट है पूछेगा अब वो या तो प्रेसिडेंट ऑफ यूएई पूछ लेगा देकर के या प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद अल मखतुम ये नेम याद रखना है इन्होंने इंडिया को इन्वाइट किया था और नॉट ओनली इंडिया टू तो और कंट्रीज थी जिनको गेस्ट ऑफ ऑनर के फॉर्म में बुलाया था इंडिया तुर्की मीन्स तुर्की जिसका अब नेम प्रेजेंट में तुर्की है एंड कतर इंडिया को रिप्रेजेंट किया आर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एंड तुर्की को रिप्रेजेंट किया ने एंड कतर के अंदर जो उनके प्राइम मिनिस्टर और फॉरन मिनिस्टर है शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीन अल थानी है ना ये आपको नाम याद रखना है इंपॉर्टेंट है नेम थोड़ा लेंदी है लेकिन दो तीन बार आप ट्राई करोगे तो इजीली आपको हो जाएगा तो इंडिया के अलावा दो और टू और मोर कंट्रीज आर देयर जो कि हमारे क्या है यहाँ पर गेस्ट ऑफ ऑनर थी तुर्की एंड कतर एंड किसने किसको रिप्रेजेंट किया तो इंडिया को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दैन तय अर्दगोन एंड आपको ये नेम याद रखना है हमारा शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी ये हमारे पॉइंट्स है की फैक्ट्स है जो एग्जामिनर पूछ सकता है नाउ इस पर्टिकुलर हमारे फंक्शन के अंदर कुछ अवार्ड्स भी दिए गए जैसे कि बेस्ट मिनिस्टर इन द वर्ल्ड इस बार का जो बेस्ट मिनिस्टर इन द वर्ल्ड है वो कतर की मिनिस्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ को मिला अनान मोहम्मद अल कुवरी फीमेल है ये अनान मोहम्मद अल कुवरी कतर की मिनिस्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ है 2024 का हमारा बेस्ट मिनिस्टर अवार्ड किसको मिला इसमें इनको मिला ये चीज याद रखना है हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्स्ट्रा फैक्ट के रिगार्डिंग एक और पॉइंट बात कर लेते हैं जैसे इस बार गेस्ट ऑफ ऑनर थे हमारे 2024 के समिट के अंदर एक्जेक्टली exactly ट्वेंटी 2018, 2018 में जो समिट हुआ था हमारा सेम वर्ल्ड समिट उसमें भी इंडिया गेस्ट ऑफ ऑनर था एंड नेक्स्ट समिट कब होगा तो सेम सिटी हमारा सेम मंथ बट डेट अलग है इलेवन टू थर्टीन फाइव ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव के अंदर ये चीज होगी बाकी आपको कैटेगरीज के नेम याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है बिकॉज ये मल्टीपल कंट्रीज को मिला है तो एक ऐसा कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है जिसको हमारा यहाँ पर हमको याद करना पड़े जैसे कि वर्ल्ड मिनिस्टर के केस के अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट है ठीक है एक चीज और इंडिया को भी यहाँ पर एक अवार्ड मिला है सस्टेनेबल प्रैक्टिस के रिगार्डिंग के अंदर और बेटर इनोवेशन के रिगार्डिंग के अंदर और वो बेटर इनोवेशन के रिगार्डिंग अवार्ड जो मिला है वो इंडिया के आई रास्ते प्रोजेक्ट के लिए मिला है ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का एक प्रोजेक्ट है जो कि एआई की हेल्प लेकर के रोड्स को एनालाइज करता है और रोड्स में कहा ग्रे स्पॉट्स है वो हमारा जो है डिटरमाइन करता है ग्रे स्पॉट मतलब वो एरिया जहां पर एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा है जो आफ्टर फ्यू एक्सीडेंट ब्लैक स्पॉट बन जाएंगे कि यहां पर तो एक्सीडेंट होते ही रहते हैं तो वो एरर्स जो होती है ए की बेस से जैसे हमारे गाड़ी व्हीकल्स में अगर हम आज देखें तो अडास सिस्टम आता है ए तो अडास को इसने यूज लिया है और ये एनालाइज करता है हमारा कि कहां पर रोड के अंदर एक्सीडेंट ज्यादा है तो इसको नेम दिया है आई रास्ते जो फुल फॉर्म है इसका वो है इंटेलिजेंट सॉल्यूशन फॉर रोड सेफ्टी थ्रू द टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग इसको शॉर्ट में कहा है आई रास्ते ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के अंदर वर्क करता है ये प्रेजेंट में इंप्लीमेंट कहां है तो पायलट प्रोजेक्ट की फॉर्म के अंदर नागपुर के अंदर रन कर रहा है हमारा तो ये नेम याद रखना इसको मिला है अवार्ड कौन सा नाइन्थ गवर्नमेंट टैक प्राइज मिला है गवर्नमेंट टैक प्राइज यहां इस समिट के अंदर इंडिया को मिला है फॉर आई रास्ते ये नेम याद रखना है किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हाईवे के अंदर आता है और आई रास्ते का फुल फॉर्म क्या है और बाकी पॉइंट्स आपको मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा मैंशन कर दिए ठीक है नेक्स्ट फ्यू पॉइंट्स और जो इंपॉर्टेंट है यहां पर हमारे इसी सेम सबमिट के अंदर देखने को मिलता है तो द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां पर है हमारा वो है वर्ल्ड की फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस नेम क्या है जॉबी एविएशन एस फोर ये ऑपरेशनल नहीं है बट अनाउंस हो गई है एंड इसका ट्रायल भी इसी पर्टिकुलर समिट में हमको डेमोन्स्ट्रेट किया गया था तो ये वर्ल्ड की फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस है नेम याद रखना जो भी एविएशन सर्विस इसके अंदर फोर पर्सन बैठ सकते हैं प्लस एक पायलट हो सकता है हमारा और ये दुबई के अंदर लॉन्च हुई है तो एग्जाम पूछ सकता है कि किस कंट्री के अंदर हमारा वर्ल्ड का फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस लॉन्च हुआ है दैट इज हमारा दुबई और यूएई दोनों दोनों पॉइंट आ सकता है है कब कब से हो तो से होगा 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 मार्केट में अवेलेबल अवेलेबल तो बाकी इसकी जो फैसे अब वो तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए कुछ की एग्रीमेंट्स है जो यहाँ पर हुए हैं हमारे कुछ की अनाउंसमेंट है शॉर्ट में याद रखना है आपको इन डेप्थ जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है इंडिया के रिगार्डिंग में एक भी पॉइंट नहीं है तो थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट रहेंगे लेकिन एक बार फिर भी इसको आप देख जरूर लेना की चीज है क्या हमारा नाउ आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडिया यू रिलेशन

बट और स्मूथली हो और कोई हर्डल्स आ रहे हो तो उसको हम सॉल्व करके बिजनेस को थोड़ा ईज करेंगे ऐसा एक ट्रीटी किया है इसके अलावा और कुछ पॉइंट इसमें है नहीं ठीक है ना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो ऑलरेडी हमारा एक कॉरिडोर है दैट इज इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर रिसेंटली जो जी की मीटिंग हुई थी इसके अंदर इसको अनाउंस किया था तो इंडिया एंड यू ने इसके ऊपर हमारा असाइन साइन कर दिया प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करेंगे तो ये कॉरिडोर क्या है ये आपको याद रखना है टी ट्वेंटी के अंदर इसको अनाउंस किया था किस पर्टिकुलर पार्ट से लेकर के किस पार्ट तक तो जाएंगे हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर ये सब पॉइंट आपको कवर करना है इसके अलावा जैसे हमारा यूपीआई होता है एग्जैक्टली exactly वैसा ही यूएई के अंदर एक पर्टिकुलर पेमेंट सिस्टम है दैट इज आनी उनके बीच में भी कोलोबरेशन हुआ है इस कलाबरेशन के बाद क्या होगा कोई इंडियन अगर यू गया है तो उसको आनी इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है वो अपने यूपीआई से पेमेंट कर सकता है सिमिलरली कोई यू का पर्सन इंडिया आया तो उसको यूपीआई की रिक्वायरमेंट नहीं वो आनी से हमारा पेमेंट इंडिया तो UAE, पेमेंट आ, आ, में कर सकता है तो यूपीआई ऑफ इंडिया एंड आनी ऑफ यू ये जो डोमेस्टिक हमारा पेमेंट एप्लीकेशन है इनके बीच में एग्रीमेंट है तो एग्जाम्पल पूछ सकता है कि यू के डोमेस्टिक जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है उसका नेम क्या है तो आनी है Exactly रुपए कार्ड आता है जयवान के बीच में सिमिलरली जैसे आपके पास एटीएम है वीजा कार्ड है कार्ड है वैसा इंडिया के अंदर हमारा रुपए कार्ड है तो अगर आप रुपए कार्ड लेकर के यूए जाते हो तो वहां के एटीएम से पैसे निकाल सकते हो तो क्योंकि आपने जयवान के साथ क्या कर लिया है एग्रीमेंट कर लिया सिमिलरली आपका जयवान कार्ड है इंडिया में आकर के आप किसी भी एटीएम से पैसे निकाल सकते हो यूज कर सकते हो स्वाइप कर सकते हो तो इस एग्रीमेंट का ये मीनिंग है तो आपको नेम याद रखना है कि वहां के कार्ड के सिस्टम का नेम क्या रहता है, है वहां पर जयवान है क्लियर एक हमारा कॉम्प्लेक्स हेरिटेज कॉम्प्लेक्स रन कर रहा है वन ऑफ द इंडस वैली साइट जो कि लोथल गुजरात के अंदर है इसमें भी इंडिया और यूएई हमारा हेरिटेज एंड म्यूजियम को कैसे कोलेब्रेशन uh, के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं ये एक एग्रीमेंट साइन हुआ है तो ये हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जरूर पढ़ लेना इंपॉर्टेंट पार्ट है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इंडिया और अबुदाबी पोर्ट कंपनीज के बीच में एग्रीमेंट हुआ है कौन सी कंपनी राइट लिमिटेड जो कि एक इंडियन पीएससी है और अदर देन दैट गुजरात मेरी बोर्ड ये वहां का गवर्नमेंट हमारा पीएस है स्टेट गवर्नमेंट पीएस है इन दोनों के बीच में पोर्ट इंफ्रा को और कैसे बेटर बनाया जाए इसके लिए एक एग्रीमेंट किया है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज भारत मार्ट इसको लेकर के भी फाउंडेशन एग्रीमेंट हमारा हो चुका है फाउंडेशन स्टोर हमारा स्टार्ट हो चुका है ये क्या है ये एक टाइप का हमारा सुपर है जो हम एस्टेब्लिश करेंगे इन द यू आई और हमारे प्रोडक्ट फिर यहां पर जाकर के सेल होंगे और बाकी यू आई के मार्केट तक जाएंगे इसको नेम दिया है भारत मार्ट ये हम नहीं बनाने वाले एक्चुअल में ये बनाएगा एक पर्टिकुलर कंपनी जिसका नेम है डीपी वर्ल्ड ये दुबई बेस्ड मल्टीनेशनल एजेंसी है हमारा और इसको यहाँ पर हमने एस्टाब्लिश करेंगे ऑलरेडी चाइना का ड्रैगन मार्ट एग्जिस्ट करता है उसी को काउंटर करने के लिए हमने अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया दैट इज भारत मार्ट आज जैसे स्मार्ट बाजार वगैरह एग्जिस्ट करते हैं हमारे स्मार्ट मार्ट है और एज एग्जैक्टली भारत मार्ट रहेगा तो यहाँ के लोग वहां जा सकते हैं अपना प्रोडक्ट को बेच सकते हैं तो प्रमोट होगा इंडियन गुड्स इन द यू इसका नेम दिया भारत मार्ट ये इंपॉर्टेंट है इसके बारे में पॉइंट्स आप कवर कर लेगा अच्छे से थिंग्स को एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा ना यही फिर इस नहीं होता है यूए का विजिट कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी यूए की विजिट में थे दैट इज हमारा फर्स्ट स्टोन टेम्पल इन यूए हमारा दैट इज इनग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूए का फर्स्ट ट्रेडिशन टेम्पल राइट सो ये कब बना और किसने बनाया ये हमको पता होना चाहिए बिकॉज इट इज आर इन विजिट सो में इसको लॉन्च किया था इन टू थाउंडीन इट वॉज लॉन्च बट ये जो आइडिया आया था किस तरह का टेम्पल यूए के अंदर होना चाहिए हमारा ये पर्टिकुलर आइडिया इन टू थाउजेंड इन नाइनटीन नाइनटी सेवन हमको देखने को मिला था प्रमुख महाराज जो थे बाप संस्था के इनके जो लीडर थे हमारे दैट इज प्रमुख महाराज इनका ये विजन था इनका ये थॉट था इस तरह का एक टेम्पल होना चाहिए देन फिर क्या हुआ बाद में जब इन्होंने डिमांड करी कि सर हमको लैंड की रिक्वायरमेंट है तो जो क्राउन प्रिंस ऑफ अबुदाबी थे नेम याद करना है आपको क्राउन प्रिंस ऑफ अबुदाबी का शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान इन्होंने ये लैंड डोनेट किया था कितना इक्वल टू ट्वेंटी सेवन एकर्स ये लैंड हमारा इन द अबुदाबी डोनेट किया था और इसी लैंड के ऊपर बाप्स नाम की संस्था ने या ऑर्गेनाइजेशन ने इसको हमारा डेवलप किया इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो आपको ये बाप्स के रिगार्डिंग के जो फैक्ट्स है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए एग्जामिनर कैन आस्क यू दिस पर्टिकुलर फैक्ट्स रिगार्डिंग आवर एग्जाम बाकी बाप्स वगैरह क्या है ये मैंने यहाँ लिख दिया है कब फॉर्म हुआ था किसने फॉर्म किया था इंडिया के अंदर जो दिल्ली एन अक्षरधाम दिल्ली एंड गुजरात के अंदर अक्षरधाम है वो इन्हीं के थ्रू डेवलपड है हमारा ऑपरेटेड है एंड वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट हिंदू टेंपल है आउटसाइड इंडिया वो भी इस बाप्स के थ्रू ही न्यू जर्सी के अंदर रन होता है जैसे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है हमारे एग्जाम के रिगार्डिंग में वो पॉइंट मैंने यहां पर लिख दिए तो ये टेम्पल वाला जो पार्ट है आपको अच्छे से कवर कर लेना है ना नेक्स्ट पॉइंट जस्ट ए मिनट Just a minute. ओके लेट्स कंटिन्यू थोड़ा सा आज एरर हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है डेथ पेनल्टी इन इंडिया रिपोर्ट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ये भी इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑलरेडी लास्ट फ्यू सेशन के अंदर हमने एक नाइट्रोजन हाइपोक्सिया वाला टॉपिक किया था इंडिया के अंदर डेथ पेनल्टी को लेकर के क्या सिनेरियोज है वो डिस्कस किए थे एंड इम्पोर्टेंट केसेज नाउ ये कुछ डेटा है जो हमको ऑनली अपडेट करना है तो ये न्यू रिपोर्ट हमको पता होनी चाहिए कि रिपोर्ट क्या है एंड रिपोर्ट की की फाइंडिंग्स क्या है तो रिपोर्ट को किसने पब्लिश किया है

प्रोजेक्ट थर्टी नाइन ए है एंड रिपोर्ट का नेम रिपोर्ट है इसने कुछ की फाइंडिंग्स बताई है और वो की फाइंडिंग्स ही हमको पता होनी चाहिए शॉर्ट न्यूज है लेकिन इंपॉर्टेंट है जब क्वेश्चन फ्रेम होंगे तो नाइट्रोजन हाइपोक्सिया पर या इंडिया में कैपिटल प्लेसमेंट का क्या सीनारियो है तो इसके डेटा को एग्जामिनर पूछ सकता है तो फर्स्ट थिंग ये कहता है सिंस टू ओवरऑल अगर हम देखें वो पर्टिकुलर नंबर्स कितने पर्टिकुलर हमारे प्रिजनर्स को डेथ सेंटेंस मिला है, इंक्रीज so देखने को मिलता है हमको टिल डेट तक तो 119 प्रिजनर्स को हम हमने उत्तर प्रदेश के अंदर डेथ सेंटेंस दिया है ये है अमंग ऑल एट स्टेट्स ऑफ इंडिया नेक्स्ट पार्ट ये कहता है ट्रायल कोर्ट जो है हमारा ट्रायल कोर्ट ने कितने पर्टिकुलर लोगों को दिया है डेथ सेंटेंस वन ट्वेंटी दिया है हालांकि प्रीवियस ईयर के काफी बेटर है बिकॉज प्रीवियस ईयर के अंदर देखिए में तो ये नंबर था इन ईयर हंड्रेड एंड सिक्सटी सेवन बट प्रेजेंट के अंदर ये वन ट्वेंटी ओवरऑल देखने को मिला है हमको ये सर ट्वेंटी थ्री के अंदर ट्रायल कोर्ट के थ्रू पर्टिस्पेंट दिया है हाइएस्ट जो है हमारा वो कहा है तो हाइएस्ट नंबर ऑफ अगर बात करें आउट ऑफ दिस वन ट्वेंटी तो 55 परसेंट के अमंग केसेस जो है वो हमारा रेप केसेस से रिलेटेड है सो तो जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम सिनेरियो के अंदर जो डेथ सेंटेंस दिया है उसका रीजन क्या है हीनेस क्राइम एक रीजन है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ uh, में मेंशन भी है और डिफरेंट डिफरेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के थ्रू भी आया कि हीनेस क्राइम के, के केस में ही डेथ सेंटेंस ऐसा पार्ट देना चाहिए और ये हमने वन केसेस के अंदर किया है बट ये आइए एक इंपॉर्टेंट पार्ट और कहता है कि कितने डेथ सेंटेंस का जो पनिशमेंट है हमारा वो एट प्रेजेंट भी मेंशन है हमारा आफ्टर अपील भी एग्जिस्ट करता है एपलेट कोर्ट मीन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने जो 120 केसेस को हेयर किया उसमें से ओनली वन ऐसा केस था हमारा ओनली वन केस जिसके अंदर उस कंटिन्यूसली पनिशमेंट को हमने होल्ड किया है उसको चेंज नहीं किया बाकी केसेस के अंदर या तो हमने उसको कम्यूट कर दिया है या फिर हमने एक्विटी कर दिया ऑल टूगेदर तो ये एक डेटा इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जब आप अपना आप, अपील करी अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द ट्रायल कोर्ट तो कितने पर्टिकुलर केसेस में एट प्रेजेंट भी आपको डेथ सेंटेंस देखने को मिलता है तो ओनली वन केस के अंदर हमको ये चीज देखने को मिलती है द इम्पोर्टेंट पार्ट तो ये बस इतना सा पॉइंट आपको पता होना चाहिए रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट बस और आपको और भी कुछ करने की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं है बाकी डेटा ऑलरेडी हमने कवर किया है इंडिया में कैपिटल पनिशमेंट का सीनैरियो आर्टिकल नंबर सेवेंटी टू हंड्रेड एंड सिक्सटी वन दोनों में डिफरेंसिस है हमारे इंपॉर्टेंट केसेस उसमें ये पॉइंट को ऐड कर देना ओनली द नेक्स्ट पर्टिकुलर पार्ट दैट इज अ न्यू स्कीम स्कीम न्यू नहीं है हालांकि ओल्ड है लेकिन इसको न्यू पैकेजिंग के साथ एंड न्यू टारगेट के साथ लॉन्च किया है तो हमको वो इसीलिए याद करनी पड़ेगी कि चीज क्या है हमारा और एग्जाम के अंदर इसमें किस तरह के हमारे के हमारे फ्रेम होने चांसेस हैं तो स्कीम का नेम प्रधानमंत्री सर्वोदया योजना ऑलरेडी ऐसा स्कीम रन करता था रूफ प्रोग्राम के नेम से टू के अंदर गवर्नमेंट लेकर आई थी रूफ सोलर प्रोग्राम ना हुआ क्या था इसके अंदर एक टारगेट था हमारा जिसको हम अचीव नहीं कर पाए हमारा टारगेट था कि हमको बाई ट्वेंटी

न्यू टारगेट रखा कि हम वन करोड़ हाउसेस के अंदर हाउस होल्ड के अंदर रूफ टाफ सोलर लगाएंगे सो so इस टारगेट को अचीव कर सके पहले जो स्कीम का नेम था रूफ टॉफ सोलर प्रोग्राम अब इसी का ये न्यू नेम है हमारा प्रधानमंत्री सर्वोदय योजना ये जो नया एक्सटेंशन किया है आपने रूफ सोलर प्रोग्राम का बिचॉर्ज लॉन्च है ये नया एक्सटेंशन ही हमारा प्रधानमंत्री सर्वोदय का कितना है, हम इंक्रीमेंट कर सकते हैं हमारा इसके अंदर पार्ट रह सकता है उसका ये एक्सटेंशन है तो अगर पूछे व्हाट इज द एम ऑफ प्रधानमंत्री सर्वोदया योजना तो वन करोड़ हाउस के अंदर रूफटॉप हमको लगाना है कब तक 2026 तक ही क्या एक्चुअल अचीव हो कि सर ये जो टारगेट था टारगेटॉप सोलर प्रोग्राम का इसके टारगेट को अचीव करना है डेडलाइन पहले 2022 की थी अब इंक्रीज करके 2026 कर दिया दैट्स इट इतना पता होना चाहिए बाकी इंडिया के जो टारगेट्स हैं वो मैंने यहाँ कि सोलर कैपेसिटी कितनी है एंड उसमें से रूप का कितना पार्ट है किस स्टेट का क्या परफॉर्मेंस है सो दैट आप उसको क्विकली क्या कर सकते हो एक बार रिवाइज कर सकते हो आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगा इसके अंदर ओके नेक्स्ट पार्ट प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ये भी ओल्ड स्कीम है बट रिसेंटली एक डेटा आया है जिसके थ्रू इसका क्या बेनिफिट हुआ है ये बताया तो स्कीम क्या थी जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनको लोन मिलेगा कितना टेन थाउजेंड रुपीज तक का लोन मिलेगा हमारा और वो उसको यूज कर सकते हैं वन ईयर की पीरियड तक का ये पर्टिकुलर हमारा लोन रहेगा और उसके बाद आपको इसको वापस से आप और लोन लेना चाहते हो तो आफ्टर ये अगर आप सबमिट कर देते हो वापस लोन रीपे कर देते हो तो और लोन भी मिल सकता है हमारा थ्री ट्रेंचेस के अंदर यानी कि थ्री और हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे जिसके थ्रू तो लोन ले सकते हो तो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए थी आत्मनिर्भर भारत पैकेज जब आया था तब इसको हम लेकर आए थे सो दैट हमारे स्ट्रीट वेंडर जो है उनको भी हमारा थोड़ा और इंक्लूमेंट हो जाए उनको भी थोड़ा कैपिटल मिल जाए तो अपने बिजनेस को थोड़ा एक्सपांड कर सके तो ये ओवरऑल स्कीम थी हमारी इसका कैसा वर्किंग रहा है ये इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अंदर हमारा बताया कि क्या क्या इसमें अंदर रिलेटेड हमने आठ परसेंट अपने चीजों को होते देखा है तो आपको सर अपडेट कर लेना अपने आपको उस नोट्स में जहां पीएम स्वर्णिधि स्कीम लिखी है वहीं पर अपने आपको अपडेट कर लेना इस डेटा के साथ में कि आखिर ये डेटा क्या था किसने पब्लिश किया था और डेटा के पॉइंट्स क्या है बाकी कुछ भी नहीं है इसमें इतना बताया कि कितना लोन इसके अंदर एमपी हो गया है फर्स्ट टाइमर कितना लोन थे फिर उसमें से कितने लोगों ने सेकंड टर्म का लोन लिया और उसमें कितने लोगों ने थर्ड टर्म का लोन लिया ऐसे इसमें है तो सिर्फ अपने अपडेट करना है और इसके अंदर कुछ भी डिटेल में जाना है कि पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है सिमिलरली एक और इंपॉर्टेंट न्यूज उसमें भी अपडेट करना है आपको दैट इज हमारा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम यानी कि एम जी नरेगा की ये बात कर रहा है एम जी नरेगा अभी थोड़ा सा पहले भी देखा था हंड्रेड डेज का आपको ओवरऑल so, जो है डेली really वेजेस मिलेंगे बट अगर ऐसा कुछ हो जाता है कि आपने नाम इनरोल कराया लेकिन आपको वर्क नहीं मिला तो देर प्रोविजन इन नरेगा कि आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेज मिलेगा इक्वल टू तो हंड्रेड डेज वेजेस का बट उसी के रिगार्डिंग में न्यूज है ये कहता है इस न्यूज में कि देर इज अ प्रोविजन इन नरेगा कि अगर आपको वर्क नहीं मिलता है तो फिर इन दैट केस आपको हमारा अनएमॉयमेंट अलाउंस मिलेगा ये कहता, उसके रिगार्डिंग कुछ डेटा है तो एम जी नरेगा जहां नोट्स बना रखे हमने उसमें ये पॉइंट ऐड कर देना है किस वन ऑफ एम जी नरेगा टू थाउजेंड फाइव में इंडिविजुअल को अगर वर्क नहीं मिलता है विद इन फिफ्टीन डेज ऑफ इनरोलमेंट तो उसको इक्वल अमाउंट ऑफ हमारा क्या मिलेगा अन एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ये पॉइंट याद रखना है और उसके अलावा ये डेटा याद रखना है कि लास्ट फाइव ईयर के अंदर कितने लोग एलिजिबल थे और उनमें से कितने पर्टिकुलर लोगों को हमने एक्चुअल में एम्प्लॉयमेंट दिया है किस के अंदर थे, लेकिन से किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को वो नहीं मिला number, का आता सिमिलरली कुछ स्टेट के बारे में पॉइंट यहाँ पर है तो ये सिर्फ कुछ फैक्ट्स है जो नोट्स में हमको अपडेट करने न्यू थिंग नहीं है ऑलरेडी जो एमजी नोट्स है उसी में शॉर्ट में साइड में एड कर देना इस पार्ट को लेकर के एक और इंपॉर्टेंट न्यूज दैट इज हमारा बीमा सुगम ये किसने लॉन्च किया है तो आईआरडीएआई ने लॉन्च किया है तो फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा ये है क्या बीमा सुगम आपने कभी भी कभी भी किसी को सर्च करते हुए देखा होगा या खुद भी सर्च किया होगा पॉलिसी बाजार जहां आप देखते हो कि मल्टीपल मार्केट के अंदर लाइफ इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो व्हीकल इंश्योरेंस है नॉर्मल जनरल इंश्योरेंस हमारे वो सब ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं कि ये इस ए कंपनी ने दिया ये बी का है ये सी का है और आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हो और जो आपको अच्छा लगा वो आप ले सकते हो बट पॉलिसी बाजार के अंदर थोड़ा सा सर्विस चार्ज भी लगता है जब आप उसके थ्रू कोई चीज परचेज करते हो तो पॉलिसी बाजार आपको ये सर्विस देने का चार्ज करता है गवर्नमेंट भी एग्जेक्टली exactly ऐसा ही पोर्टल लेकर आया है जहां पर आपको मार्केट में जितने भी ऑप्शन अवेलेबल है चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट प्लेयर हो हमारा ईच एंड एवरी पॉलिसी चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो या फिर कोई जनरल इंश्योरेंस हो उसका पोर्टल पर आपको एक्सेस यहाँ पर रहेगा आप आराम से कंपेयर कर सकते हो एंड सर्विस को अवेल कर सकते हो यहाँ से परचेज कर सकते हो जो काम आप पॉलिसी बाजार से कर रहे थे एक्जेक्टली exactly बीमा सुगम से भी कर सकते हो बट वो प्राइवेट सेक्टर का था और ये हमारा गवर्नमेंट सेक्टर का है पॉलिसी बाजार के अंदर हमारा सर्विस चार्ज लगते थे यहाँ पर कोई सर्विस चार्ज नहीं लगेगा इसको नाम दिया है बीमा सुगम तो बीमा सुगम क्या है बीमा सुगम इज एन पोर्टल किस बात का पोर्टल है तो ये ई मार्केट प्लेस है जहां से आप लाइफ इंश्योरेंस क्या कर सकते हो परचेज कर सकते हो या डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंश्योरेंस तो को परचेस कर सकते हो कौन लेकर आया है तो हमारा आई e आर डी ए आई है ना इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये अथॉरिटी लेकर आई है ये है क्या ये एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ मेंशन कर दिया है बीमा सुगम क्या है ये भी पॉइंट यहाँ पर मेंशन कर दिए तो आपको बस ये पता होना चाहिए ये चीज क्या है हमारा बाकी इंडिया का जो इंश्योरेंस सेक्टर है वो ऑलरेडी कई बार डिस्कस हुआ है बट फिर भी कुछ पॉइंट आप अगर बाई चांस ने नहीं लिखा है या फिर कोई जैसे मिस हो गए तो इंडिया का इंश्योरेंस सेक्टर का क्या पॉइंट है यहाँ मैंने मेंशन कर दिया एक बार आप डीड कर लेना कि इंडिया की वर्ल्ड में क्या पोजीशन है और प्रोजेक्टेड हमारा पोजीशन क्या रहने वाला है टिकुलर ईयर ये थिंग्स आपको बस याद करनी है शॉर्ट के अंदर अपने नोट्स में एडिशन करना है एक और पार्ट आपने सिक्सटी नाइन्थ नेशनल अवार्ड्स मैंशन किए ही होंगे नेशनल अवार्ड के अंदर एक एडिशन करना है कुछ अवार्ड्स के नेम चेंज कर दिए गवर्नमेंट ने तो वो नेम न्यू क्या रखे है बस उतने पता होना चाहिए बाकी आपको वो जो लीडर की लिस्ट थी सिक्सटी नाइन नेशनल अवार्ड की उसी में ये एड कर देना अगर संभव ऐसा है कि सर नहीं कर पाए थे हम तो फिर आप इसी पी डी एफ के अंदर आपको नोट्स मिल जाएंगे ये जैसे की ये लिस्ट ऐड है कि बेस्ट एक्टर कौन था बेस्ट फिल्म कौन सी थी बेस्ट एक्ट्रेस कौन सी सिक्सटी नाइन ने, हमारे नेशनल फिल्म की अवार्ड्स की ये चीज आपको याद कर लेनी है तो नेम क्या चेंज किए तो पहले था इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यूट फिल्म ऑफ डायरेक्टर इसका नेम चेंज करके बेस्ट डेब्यूट फिल्म ऑफ द डायरेक्टर कर दिया है फर्स्ट था हमारा नरगिस दत्त अवार्ड फॉर द बेस्ट फीचर फिल्म और नेशनल इंटरग्रेशन इसका नेम चेंज करके बेस्ट फीचर फिल्म प्रमोटिंग नेशनल सोशल और एनवायरमेंटल वैल्यूज और बेस्ट फीचर फिल्म का जो हमारा अवार्ड है लैंग्वेज जो भी आगे रहेगा फीचर फिल्म तो बेस्ट फीचर फिल्म मराठी बेस्ट फीचर फिल्म अगर हिंदी बेस्ट फीचर फिल्म उर्दू जो भी रहेगा उस तरह का नेम इसके अंदर मैंशन करना पड़ेगा ये नेमिंग चेंज किया है और क्या किया है कुछ अमाउंट चेंज कर दिए पहले दादा दादा साहब फालके अवार्ड के अंदर टेन लाख रुपीज मिलता था और फिफ्टीन लाख रुपीज मिलेगा हमारा ठीक है उसके अलावा एक गोल्डन लोटस नेम का अवार्ड होता था, था स्वर्ण कमल जिसको कहते थे उसका प्राइस को इंक्रीज करके थ्री लाख कर दिया रजत कमल का टू लाख कर दिया हमारा ठीक है ना ये अलग अलग कैटेगरीज है जो इस अवार्ड के अंदर इसका रजत कमल एंड स्वर्ण कमल के अंदर आती थी एंड कुछ कैटेगरी के अंदर मॉडिफिकेशन क्या है बेस्ट एनिमेशन जो मूवीज थी और बेस्ट जो स्पेशल इफेक्ट की मूवी था उसको हमने क्लब करके एक नया कैटेगरी बना दिया दैट इज बेस्ट एवीजीसी हमारा फिल्म और बेस्ट साउंड डिजाइन वाला जो पर्टिकुलर पार्ट part था या बेस्ट बेस्ट जो ऑडियोग्राफी था उसका नेम चेंज करके बेस्ट साउंड डिजाइन कर दिया और अवार्ड इंक्रीज करके टू लैख कर दिया पहले जो वन लैख था बस ये चेंजेस याद करना एंड अगर नहीं मैंशन है किसी वजह से कि सर लास्ट जो थे उसकी क्या हमारे से तो ये मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है ये थिंग्स आपको नोट डाउन करनी है इस वीक की इंपॉर्टेंट है बाकी आता है वन लाइनर मतलब ओनली एक लाइन में फैक्ट्स है जो मैंने मिसलेनियस में ऐड कर दिए हैं ये आपको फटाफट से क्विकली विद इन फाइव मिनट्स आप आराम से कर लोगे तो आप इसको कवर कर लेना ये कुछ अराउंड सेवन टू एट टॉपिक्स है जो वन लाइनर रहेंगे हमारे तो आप आराम से इसको अच्छे से क्या कर सकते हो कवर कर सकते हो तो इंटायर जो न्यूज है हमारा वन वीक की हमने इसमें क्लब कर दिया और कुछ पॉइंट ऐसे थे जो डिस्कशन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं थे तो मैंने ओनली मिसलेनियस में ऐड कर दिया बट आपको फैक्ट्स दिखने जरूर है बिकॉज एग्जामिनर अगर कोई रिलेटेड फील्ड से क्वेश्चन पूछेगा लाइक like एआई से पूछ लेगा तो उसके अंदर भी ए की एक न्यूज थी तो उसके एक एग्जाम्पल पुट कर सकता है एक क्वेश्चन पुट कर सकता है तो वो चीज आप जरूर कर लेना ठीक है ठीके? तो ये था आज का पार्ट नाउ पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा नई ज्वाइन किया टेलीग्राम चैनल तो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन के अंदर भी आपको लिंक अवेलेबल हो जाएगा सो दैट यू कैन ज्वाइन आर टेलीग्राम चैनल एंड पीडीएफ आपको वहीं मिलेगा इन केस अगर कोई क्वेरी रहता है तो यू कैन आस्क द क्वेरी और ड्रॉप योर क्वेरी इन द कमेंट सेक्शन वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन टिल देन राम राम दुआ सलाम जय